मिलॉर्ड, हमें 30 जून तक का समय चाहिए। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, आपने ये क्या तमाशा बना रखा है? 15 फरवरी को हमने चुनावी चंदे का हिसाब चुनाव आयोग में जमा करने को कहा था। आज 11 मार्च है, आप लोग 26 दिन तक क्या करते रहे? बहाने मत बनाइए, आपकी अपील रद्द की जाती है। कल यानी 12 मार्च की शाम तक बेनामी चंदे का पूरा हिसाब किताब जमा करवाइए या फिर कोर्ट की अवमानना का केस झेलने के लिए तैयार रहिए। ये लफ्ज है सुप्रीम कोर्ट में हुई एक बेहद अहम सुनवाई के। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तल्ख टिप्पणियां लंबे समय बाद सुनने को मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे के मामले पर देश के सबसे बड़े बैंक को क्यों लताड़ा और चुनावी चंदा बताने की तारीख आगे बढ़वाने के पीछे क्या खेल था, आइए आपको समझाते हैं। देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक पर बनने वाले जोक्स आपने खूब सुने होंगे, कई मीम्स भी देखे होंगे जिसमें बैंक वाले कहते हैं अभी लंच टाइम है, ये काम नहीं हो सकता। एक छोटी सी जानकारी के लिए ग्राहक घंटों कतार में खड़ा रहकर काउंटर तक पहुंचता है तो कहा जाता है ये जानकारी इस काउंटर पर नहीं मिलेगी, दूसरे काउंटर पर जाइए। सभी लोग इस तरह की टाल मटोली और लेट लतीफी से दो चार हुए होंगे और जब बैंक के अफसर या कर्मचारी का काम करने का मन नहीं होता तो कह दिया जाता है कि सर्वर डाउन है। देश के सबसे बड़े बैंक वालों की यही आदत उनको सुप्रीम कोर्ट में भारी पड़ी है, यही आदत उनके गले की फांस बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा लेने के हिसाब किताब की मियाद बढ़ाने पर जो फैसला सुनाया है वो नजीर बन गया है। डिजिटल इंडिया की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब भारतीय स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लागू करने में देरी करता है तो बैंक ही नहीं उसे चलाने वालों की मंशा पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि अब ऐसा चलने वाला नहीं है। चुनावी चंदे का हिसाब देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 30 जून तक का समय नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI की अपील को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि इस मामले में उसे बुरी तरह लताड़ा भी है और 12 मार्च यानी कल तक चंदे से जुड़ा पूरा हिसाब जमा करने को कहा है। The Supreme Court has taken a tough stand on the state bank's application for extension of time till 30th June to disclose details about the donors of electoral bonds as well as the parties which redeemed those electoral bonds. The court has dismissed the application of the state bank, pointing out that the data that the court had asked them to give is already available with the state bank. According to their own affidavit, they have to just submit the details of the donors on the one hand and the details of the parties which redeemed the bonds on the other hand. State bank was saying we have to do the cross matching, etc. Court has said you don't need to do the cross matching, just give these details to the election commission and you have to give it by tomorrow. And thereafter, they have said that the state bank chairman should file an affidavit to this effect. They are not yet taking any contempt action, but they may have to if the state bank doesn't comply. They have also said that the election commission should publish all these details which have been given by the state bank about the donors and the parties which have received the bonds by 15th of this month. And also the earlier details which were supposed to be given by political parties to the election commission about the bonds received by them, even those details have to be published by 15th of this month. So it's a very good strong judgment in consonance with the earlier strong judgment that the court had given on electoral bonds. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में SBI से कहा है कि 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आए चंदे का हिसाब चुनाव आयोग को दें और चुनाव आयोग 15 मार्च को इसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SBI को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे का हिसाब देने को कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने SBI की तरफ से पेश हुए वकीलों की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा फैसला आने के बाद 26 दिन तक आप क्या कर रहे थे,
जब एक क्लिक पर सारी जानकारी निकल सकती है, तो आप ये जानकारी देने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं? तो इस ये हमारे हिसाब से हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ी अच्छी बात है। जो कानूनी स्तर दे दिया था मोदी सरकार ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, जो हमारे हिसाब से राजनीतिक भ्रष्टाचार को लीगलाइज जो कर दिया था, उसको अब खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और कल तक आदेश है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि ये पूरा का पूरा सूची इलेक्शन कमीशन को पहुंचाए, और इलेक्शन कमीशन को आदेश है कि 15 मार्च के 5 बजे शाम को, उससे पहले ये उनके वेबसाइट पे खुले रूप में इसको जो है वेबसाइट पे होना चाहिए, और ये हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक को लताड़ते हुए कहा कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भले ही गोपनीय तरीके से चंदा जमा करवाया है, लेकिन चंदा जमा कराने वालों की केवाईसी तो होगी ही। क्या आपने बैंकिंग के नियमों का पालन किया है? आपको अतिरिक्त समय क्यों चाहिए? इस काम के लिए आपको 4 महीने का वक्त क्यों चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर 12 मार्च यानी कल शाम तक ये जानकारी नहीं दी गई, तो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की कार्रवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हरीश साल्वे SBI का पक्ष रख रहे थे। वहीं पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ जाने माने वकील प्रशांत भूषण याचिकाकर्ता ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से पैरवी कर रहे थे। ADR ने SBI को और समय देने की मांग करने वाली याचिका के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। कोर्ट में हरीश साल्वे ने SBI का पक्ष रखते हुए कहा कि हमारी समस्या ये है कि हम पूरी प्रक्रिया को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड नंबर में खरीदार का कोई नाम ना हो। सरकारी कानून के तहत हमें बताया गया था कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपने जो जानकारी दी है उसके अनुसार दानदाता की जानकारी और राजनीतिक दलों की जानकारी दोनों ही मुंबई ब्रांच में है, तो आपके पास दोनों जानकारी एक साथ मुंबई में तो है ही, आपको इसे देने में क्या दिक्कत है? कोर्ट ने कहा कि फैसला आए 26 दिन हो गए हैं, इतने दिन में आपको जो करना था वो क्यों नहीं कर पाए? जो डेटा आपके पास उपलब्ध है उसे जारी कर दीजिए, इसे मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। 15 फरवरी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, आप खरीदे गए और भुनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी, नाम, धनराशि और तारीखों को जारी करने का डेटा चुनाव आयोग को दे दीजिए। ये सब 6 मार्च तक देना था, लेकिन SBI सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक की मियाद मांग रहा था। 30 जून तक देश में आम चुनाव संपन्न हो जाएंगे। बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है कि SBI 2024 के चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने से क्यों बच रहा था? अब सरकार और स्टेट बैंक के बीच इस आदेश पर क्या बात हुई थी, बात हुई भी थी या नहीं, ये तो वही दोनों जाने। लेकिन जब 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तभी से ये सवाल हवा में घूम रहा था कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला। एकदम स्पष्ट आंकड़े तो 15 मार्च को तभी पता चलेंगे जब इलेक्शन कमीशन SBI से मिला डेटा अपनी साइट पर अपलोड कर देगा। हालांकि चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का दावा है कि 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आई, तब से इस योजना के जरिए सबसे ज्यादा चंदा BJP को मिला है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए राजनीतिक पार्टियों को 18,000 करोड़ से ज्यादा का गुमनाम चंदा मिला है, जिसका 2/3 यानी करीब 12,000 करोड़ सिर्फ BJP को मिला है। सभी जानते हैं कि आजकल चुनावों में पैसा पानी की तरह बहता है। ये पैसा आता कहाँ से है, ये आम जनता को भी पता होना चाहिए। सरकार तो कह रही थी कि जनता को ये जानने का कोई हक नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ये दलील खारिज कर दी। जब ये बेनामी चंदा बताने की बारी आई तो SBI बहानेबाजी करने लगा। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत में फिर जनता की जीत हुई है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बेहद जरूरी भी है।
उसके पहले आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। न्यायपालिका को ऐसे ही नहीं भगवान का दर्जा हासिल है। सियासी नुक्ताविद मुक्ता में कल फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।